हेलो पीपल, कैसे हो आप सभी लोग? आप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आपने पढ़ाई कर ली है आपकी, या पढ़ाई कर रहे हो, और मैं ये वीडियो लास्ट मोमेंट के कुछ टिप्स देने जा रहा हूं आपको फॉर सीएमए इंटर टैक्स पेपर जो आपका कल है। ठीक है, सो आपने पेपर के समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी उस पर आता हूं पहले, और फिर अभी से लेकर के एग्जाम तक क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है उस पर भी आता हूं। ठीक है, सबसे पहले पेपर जैसे ही आपको मिलता है कोशिश करिएगा एक बार पेपर को गोथ्रू करिएगा, गोथ्रू करके चेक करिएगा एग्जैक्टली पेपर में क्या क्या दिया हुआ है, आपको क्या क्या चीजें आती है। 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कौन से 5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आप सोल्व कर सकते हो जिसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। कोशिश करिएगा न्यूमेरिकल्स ज्यादा प्रेफर करिए, भले वो न्यूमेरिकल सैलरी से हो, पीजीबीपी से हो, कैपिटल गेन से हो, एचपी से हो, अदर सोर्सेस का हो, टोटल इनकम का क्वेश्चन हो, या टैक्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो। वैसे टैक्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन के अंदर बहुत कंफ्यूजिंग किया जा सकता है आपके लिए इस मोमेंट पे, तो मैंने उसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, 5 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा कि एग्जैक्टली क्या बोलते हैं वो, तो हमने क्या करना है, राइट, ऑप्शनल चूज करना है, डिफॉल्ट चूज करना है, 115 बीएससी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, हो सकता है कस्टम के वैल्यूएशन का क्वेश्चन हो सकता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन हो जीएसटी के अंदर में, सो व्हाटएवर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कोशिश करिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पहले लिखिएगा। ठीक है, एमसीक्यू तो आप स्टार्टिंग में करोगी, बट हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप एमसीक्यू करो तब आपको एक दो क्वेश्चंस ना आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको आप साइड में रख दीजिएगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट करते हो इस बीच में क्लिक हो जाए तो उसको आप लिख लीजिएगा, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोशिश करना पूरे एमसीक्यूज करके आओ, राइट। वैसे तो मेरी इच्छा यही है कि आप पूरा का पूरा 100% पेपर लिख करके आइएगा, पढ़ाई कितनी भी की हुई फर्क नहीं पड़ता, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, आप लेजेंड हो। ठीक है ना, हाँ चलिए, सो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। अब जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लिखोगे तो आप फॉर्मेट ध्यान देना है, फॉर्मेट ड्रॉ करना है, टेबुलर फॉर्मेट प्रॉपरली। टेबल स्टार्ट करने से पहले क्या कर रहे हो, कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, असेसमेंट ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, राइट, असेसमेंट ईयर इन केस ऑफ इनकम टैक्स, फाइनेंशियल ईयर या पीरियड इन केस ऑफ जीएसटी कस्टम्स, राइट, क्या कैलकुलेट कर रहे हो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, या जो भी कर रहे हो आप। ठीक है, सो उस चीज को लिखना है, नेम ऑफ द एसएससी, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द पर्सन, जो भी होगा उसको लिखना है, और फिर कॉलम को टाइटल दे करके सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, जो भी होगा वो लिखना है। वर्किंग नोट्स प्रॉपरली आने चाहिए आपके, चाहे वो कैलकुलेशंस हो, चाहे वो अजम्पशंस हो, मेक श्योर करिएगा अजम्पशंस प्रॉपरली लिखने हैं, राइट। टीडीएस के रेट्स अगर है तो उसके हिसाब से आपको नेट ऑफ टीडीएस लेना है या ग्रॉस ऑफ टीडीएस लेना है, क्या लेना है इसको प्रॉपरली चेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट से 2-3 पॉइंट्स है। तो ये रहा न्यूमेरिकल का पार्ट, फाइनल आंसर हाईलाइट होना चाहिए अच्छे से, बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो या अंडरलाइन कर सकते हो। मूविंग ऑन टू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए और बाकी काफी चीजों के लिए, राइट, क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है उसके ऊपर वीडियो रेडी है, कल ही आपने देखा होगा, शायद नहीं देखा तो जाकर कभी देख लीजिएगा, ताकि अगला जो समय है आपका पढ़ाई करने का उसको आप उसके अकॉर्डिंगली कर लो। ठीक है, सो हाँ, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर में आपने प्रॉपरली पहले प्रोविजंस लिखने हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना है, उसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन आएगा, एंड देन फाइनल कंक्लूजन, फाइनल आंसर आएगा। अगर आप कंफ्यूज हो कि ए हो सकता है या बी हो सकता है, मतलब कोई भी अप्रोच जो भी हो, इंटरप्रिटेशन हो, दोनों लिख करके आइएगा, राइट, पूरा फेल होने से एटलीस्ट थोड़ा सा पास हो जाओगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, 2 मार्क्स तुम्हें मिल सकते हैं 4 मार्क्स में से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन नंबर कोट करना है या नहीं करना है, अगर सही से याद है तो कोट करिए, याद नहीं है तो कोट मत करिएगा। एज पर दी प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, या एज पर दी चैप्टर सैलरी ऑफ प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो उसको प्रॉपरली आपने लिखना है। थ्योरी क्वेश्चन के अंदर में रेफरेंस रखिएगा 2 पॉइंट, अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो 4 पॉइंट टेंटेटिव हो गए ही हो गए उसमें, 4 मार्क के लिए आता है तो 8 पॉइंट टेंटेटिव उसमें हो गई, जरूरी नहीं है, ये रेफरेंस है सिर्फ, राइट। जो भी आप थ्योरी, प्लेन थ्योरी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो वहां पे मेक श्योर करिएगा पॉइंट फॉर्मेट में उसको लिखते हो, और हर पॉइंट में एक वर्ड अंडरलाइन करते हो जो कीवर्ड हो सकता है शायद, फाइनल आंसर एंड में लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो ये रहा पेपर में एग्जैक्टली क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे में, राइट। कोशिश करना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके आओ, हो सकता है आप इस मोमेंट पे एग्जाम में जाने से पहले ये सोचे कि यार मेरा जीएसटी बहुत अच्छा है, बट वहां पेपर डीटी का बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, जीएसटी तो ट्रिकी लग रहा है, ऐसा लग रहा है यार ये क्या आ गया। ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है, राइट। सो वहां ध्यान से देखिएगा पहले, ज्यादा अपने आपको इमोशनल न करते हुए, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस, डिप्रेस्ड, डिमोटिवेटेड न होते हुए कोशिश करना कि उस 3 घंटे में आप अपने आपको जो उस समय पे सही लग रहा है वो करें, राइट। सो हो सकता है आप आईडीटी से नफरत हो, बट वहां आईडीटी के क्वेश्चन बहुत सिंपल से आ जाए, पढ़ के तो आप गए हो, राइट, बस नफरत है, राइट, प्यार ज्यादा है डीटी से, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमें तो मार्क्स से मतलब है, तो आईडीटी लिख लीजिएगा ज्यादा। जो क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंट हो वो पहले आएंगे, बचे हुए बाद में आएंगे। डिटेल में पेपर कैसे लिखना है नीचे हाउ टू राइट दी आंसर्स का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर के चेक कर सकते हो अगर नहीं किया है तो, बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा एक ही पेन यूज करेंगे आप, या तो ब्लू या तो ब्लैक, और आपका पूरा पेपर उससे लिखेंगे। पेंसिल यूज कर सकते हो अंडरलाइनिंग वगैरह करने के लिए, पूरा पेपर अच्छे से लिखना है, बहुत ज्यादा चांसेस है पेपर लेंदी होगा। टैक्स का पेपर इजी जरूर होगा बट लेंदी होगा शायद, अगर लेंदी होता भी है तो कोई टेंशन नहीं है, हमने कोशिश करनी है पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। फॉर एवरी मार्क यू हैव टू स्पेंड नॉट मोर देन 1.5 मिनट्स, और लास्ट में 10 से 15 मिनट में जितना भी बचा हुआ है फटाफट जितना लिख सको लिख लीजिएगा। इट इज एनी टाइम बेटर टू अटेम्प्ट नॉट सो परफेक्ट पेपर ऑफ 100 मार्क्स देन टू अटेम्प्ट अ परफेक्ट पेपर ऑफ 60 मार्क्स, एंड यू नो व्हाई।
ठीक है, तो वो माइंडसेट बना करके जाना है और माइंडसेट के साथ बने रहना है और लिखना है पेपर। ठीक है, अभी से लेकर के कल सुबह या कल दोपहर एग्जाम हॉल तक जाने तक जितना हो सके क्रिस्प रिविजन करिएगा, फटाफट जितने कॉन्सेप्ट देख सको फटाफट से देख लीजिएगा, राइटिंग प्रैक्टिस इस मोमेंट में मत करना, जितना हो सके गोथ्रू करिएगा ताकि चीजें क्लियर हो। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कल एग्जाम हॉल में जाने से पहले रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, कंपोजिशन अंडर जीएसटी, डिडक्शंस एंड सेट ऑफ एंड कुछ प्रोविजंस ऑफ टीडीएस हो सके तो डीटी में से, ये सब पक्का दिख करके जाना है। इसमें से बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका रिजल्ट चेंज हो जाए, फेल से पास या पास से फेल, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाले प्रोविजंस को ध्यान से दिख के जाना है। अगर आप आज या कल पढ़ के रखे हो और कल जाने आने वाले कल में एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले हो सके तो एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो में जो जो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए हैं वो कोशिश करके दिख के जाइएगा। जो भी अमेंडमेंट्स है खास करके सैलरी चैप्टर के जो अमेंडमेंट्स है एक बार गोथ्रू करिएगा, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस पीजीबीपी के अंदर में एक बार गोथ्रू करिएगा। राइट, 100% पेपर अच्छा जाएगा आपका, पेपर डिफिकल्ट हो इजी हो बट अच्छा जाएगा। राइट, अच्छे से बने रहिएगा, लिखिएगा। कल सुबह लगभग 8 से 10 बजे के बीच में एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो आएगा खास करके टैक्स के पेपर के लिए। राइट, कुछ सीक्रेट है अभी नहीं बता सकता हूं मैं, कल पेपर में जाने से पहले YouTube चैनल मेरा ओपन करके देख लीजिएगा। सर मुझे तो WhatsApp पर नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, कहीं कुछ मैसेज नहीं आएगा, आपको YouTube पे वीडियो मिल जाएगा, YouTube पे जाकर के देख लीजिएगा कभी कल सुबह 8-9 बजे के आसपास में। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले उस वीडियो को देखना है पक्का। इट कैन चेंज योर पेपर, राइट, इट कैन चेंज द वे यू लुक एट द पेपर एंड आंसर इट। राइट, सो ऑल द बेस्ट पीपल, आई होप ये लास्ट मोमेंट टिप्स जो है आपके लिए काम के रहे होंगे। अगर हाँ तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैट बॉक्स में जाकर के कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बताइएगा कि यस सर आई विल डू इट, आई विल क्लियर माय टैक्स एग्जाम। एक पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं यार, ताकि जो भी इस वीडियो को देखे उसको भी वो पॉजिटिविटी जाए और आपको भी वो पॉजिटिविटी आए। आई विल क्लियर माय टैक्स एग्जाम, आई विल क्लियर माय टैक्स एग्जाम, आई विल क्लियर माय टैक्स एग्जाम।